हरियाणा में सीएम फिलाइंग ने लगातार छापेमारी अभियान चलाया हुआ है। टीम गलत काम करने वालों को बख्शने की मूड में बिल्कुल नहीं है और उन पर एक्शन लेकर लगातार कार्रवाई में लगी हुई है। इसी कड़ी में सीएम फिलाइंग ने सोहना में अवैध रूप से बनाई जा रही मिठाइयों की दुकान पर छापा मारा है। ये छापेमार सोहना सरकारी अस्पताल की नाक के नीचे सब्जी मंडी गेट पर अवैध रूप से बने खुशी पनीर भंडार पर की गई। टीम को छापेमारी के दौरान 550 किलो रसगुल्ला, 100 किलो पनीर, 40 किलो खोवा, 140 किलो टमाटर सॉस बिना मार्का के बरामद की गई। इसके बाद आगामी कार्यवाही करते हुए मौके पर जिला स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारी को बुलाया गया और सभी के सैंपल लिए गए। वहीं मौके पर सैंपलिंग करने वाले फूड सेफ्टी ऑफिसर की माने तो बिना फूड सेफ्टी लाइसेंस के कोई भी दुकानदार इस तरह का सामान नहीं बेच सकता। बिना लाइसेंस के सामान बेचने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और 6 माह तक की सजा हो सकती है। पनीर भंडार है आज मंडी सोना में और यहाँ पे हमने रेड की है। यहाँ पे एक पनीर का सैंपल लिया है, एक रसोई का लिया है, खोए का लिया है और एक टमाटर सॉस। सर टमाटर सॉस है वो बिल्कुल घटिया सी किस्म का लग रहा है। पनीर भी हमारे को थोड़ा डाउटफुल है। ये चीज़ें ना सब स्टैंडर्ड है, बाकी लैब की रिपोर्ट आने के बाद इसका आगे कार्रवाई होगी। ये कितनी कितनी क्वांटिटी रख सक इनकी? ये इनकी है क्वांटिटी लगभग जो पनीर है वो 100 किलो के आसपास है, खोया है लगभग 40 किलो के आसपास है, रसगुल्ला है कम से कम ये 550 किलो के आसपास है और अपने जो सॉस है ये 135-140 किलो के आसपास है। तो आगे कार्रवाई क्या है इसमें? आगे की कार्रवाई नोटिस इनको दे दिया है। लाइसेंस इनके पास है नहीं फूड सेफ्टी का, जो मैंडेटरी है आज के टाइम किसी भी दुकानदार भाई के पास यदि लाइसेंस नहीं है FSSAI का तो उसमें कम से कम 6 महीने तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के फाइन का प्रावधान है जी। और यदि सब्सटेंडर्ड के ये आइटम आते हैं जो लिए हैं सब्सटेंडर्ड भी 5 लाख तक का प्रावधान जी फाइन। तो डॉक्टर साहब आपने सीएम फ्लाइंग के साथ रेड किया या आप खुद ही? सीएम फ्लाइंग के साथ हमारी ज्वाइंट रेड है, सीएम फ्लाइंग के अधिकारी भी हमारे साथ है और फूड सेफ्टी और सीएम फ्लाइंग की ज्वाइंट। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सोहना में सरेआम बेचे जा रहे सफेद जहर पर जिला के आला अधिकारियों की भी नजर आज तक कैसे नहीं पड़ी, जिसको खाने के बाद लोग फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। बहरहाल मौके से जिस पनीर, खोवा, रसगुल्ला व टमाटर सॉस के सैंपल लिए गए हैं उनकी गुणवत्ता देखने में ठीक नहीं लग रही है, जिनको जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा और रिपोर्ट के बाद आगामी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि लैब में भेजे जाने वाले सैंपलों की जांच रिपोर्ट कब तक और क्या आती है। सोहना से सतीश कुमार राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।